एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक शीरे की रेसिपी शेयर करूंगी, पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी हेल्दी रेसिपीज की अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम देखेंगे कि हमें शीरा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ये है मेरे पास 4 चम्मच जितना सूजी या रवा। इसमें हम डालेंगे ये आलमंड्स, ये 5 से 6 आलमंड्स हैं। यहाँ पे है ये इलायची, साथ में हमको चाहिए होगी थोड़ी केसर। यहाँ पे है ये खांड, मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि एक हेल्दी रेसिपी की है तो हम इसमें चीनी नहीं यूज करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे ये किशमिश है, यहाँ पे कुछ काजू, और यहाँ पे है ये दूध। दूध भी मैं कम से कम इस्तेमाल करूंगी, हम इसको डाइल्यूट कर लेंगे और इसमें थोड़ा पानी मिला लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको आगे बढ़ा जाए। कढ़ाई को मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था, इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 1/2 चम्मच जितना घी डाला है। अब इसमें हम एक एक करके सब चीज डाल देंगे। ये 2 इलायची है जिसे मैंने बीच में से काट लिया है, अब मैं इसे घी में डाल दूंगी। अब हम डालेंगे इसमें ये सूजी, 4 चम्मच जितनी सूजी, आलमंड्स, मैं सब कुछ एक साथ डाल दूंगी, कैश्यू, किशमिश। अब हम इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा मिला लेंगे, आंच को कम ही रखेंगे नहीं तो सूजी बहुत जल्दी जल जाएगी। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा केसर, डाल के इसे हिलाएंगे, हल्के हल्के हाथों से इसे हिलाते रहेंगे। एक बार में हम फ्लेम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। शीरा हर घर में बनता है, पर विंटर्स में इसे खाने का मजा ही बहुत अलग होता है। ये हल्का जब भुन गया है, अब मैं इसमें डालूंगी ये 1 कप जितना दूध। अभी मैं डालूंगी इसमें उतने ही 1 कप पानी, ये गया और 2 कप पानी। और इसे थोड़ा मध्यम आंच में हम पकाएंगे, मीडियम फ्लेम में ये पूरी पकेगी ये शीरा। ये जो शीरा है ये रात को गर्मा गर्म थोड़ा सूप की तरह हमें लेना है। इसे हम ज्यादा टाइट नहीं बनाएंगे, हमें इसे एकदम गर्मा गर्म हल्के हल्के इसमें हमको पीना है। हल्का गर्म इसको पियेंगे और इसे पीकर रात को, अगर हम रात को सोने से पहले अगर इसे पीते हैं तो ये नींद भी बहुत अच्छी देगा और हेल्थ के लिए तो है ही बहुत अच्छा। 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसे फ्रिज होते हुए। अब हम इसमें डाल देंगे ये खांड, ये है 1 चम्मच और 2 चम्मच जितना खांड। आप इसे अपने स्वीटनेस खाने के मन के हिसाब से, टेस्ट को एडजस्ट करने के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। रात को ना कभी कभी मीठा खाने का बड़ा मन होता है तो ये रेसिपी गर्मा गर्म भी आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी और इससे नींद भी बहुत अच्छी आएगी आपको। अभी मैं अपने गैस को बंद कर दूंगी। मुझे इसकी जितनी कंसिस्टेंसी जिस टाइप की चाहिए थी वो उसकी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। अब हम इसे करेंगे सर्व। गर्मा गर्म शीरा तैयार है। सर्दियों की सुबह या रात को सोने से पहले आप इसे कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं फिर मिलूंगी एक ऐसी हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए Eat healthy, stay healthy.